इज़ व्हाट्सअप आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट मॉमी टॉकीस के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे प्रोडक्ट्स पे मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कार सीट के बारे में जिसको चाइल्ड सेफ्टी सीट भी बोला जाता है वेल अगर आपके घर में बेबी है देन ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है आई मीन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपके पास कार सीट हो तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कार सीट होता क्या है एंड क्यों कार सीट बच्चों के लिए बेनिफिशियल है एंड क्या आपको एज अ पेरेंट्स या हमें एज अ पेरेंट्स किसी भी कार सीट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इफ येस तो क्यों करना चाहिए एंड साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई कार सीट खरीद रहे हैं तो ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू बाय एनी कार सीट फॉर योर बेबी वेल मेरे हिसाब से कार सीट एक बेस्ट तरीका होता है बच्चों को सेफ रखने का सिक्योर रखने का कंफर्टेबल

Lab का एक्टिव कार सीट जो कि इजिली एमेजॉन पे अवेलेबल है एंड आईसो फिक्स डिजाइन के साथ आता है सो so दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईसो फिक्स सीट होता क्या है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगेन हम साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं एंड जानते हैं पहले इस प्रोडक्ट के बारे में इस सीट के बारे में सो so, दोस्तों ये जो कार सीट है आप 9 महीने के बच्चों के लिए यूज कर सकते हो अप टू 12 इयर्स एंड अगर इसकी वेट कैपेसिटी की मैं बात करूं तो आप 9 के के बच्चों के लिए इस कार सीट को यूज कर सकते हो अप टू 36 सिक्स के जी वेल इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट पार्ट है कि ये ई सी ई आर फोर्टी फोर बाई फोर यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट वेल नेक्स्ट फीचर जो मुझे इस प्रोडक्ट का पसंद आया कि ये आइसोफिक्स डिजाइन के साथ आता है अब आप पूछेंगे आइसोफिक्स होता क्या है तो कार सेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक आइसोफिक्स कनेक्टर दिया हुआ है जिसको आप गाड़ी में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो वेल इस कनेक्टर को ओपन कैसे किया जा सकता है तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का जो बटन है इसमें एक पुश बटन है जिसको मैं ये इस तरीके से पुश करूंगी और ये कनेक्टर जो है वो बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे ये जो कनेक्टर है ये आइसोफिक्स कनेक्टर इसको बोला जाता है जिसको आप गाड़ी में जा करके फिक्स कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने दोनों कनेक्टर्स को ओपन कर लिया आप इसको सीधा जा करके गाड़ी में जो आइसोफिक्स पॉइंट होते हैं उसमें जा करके आप इसको कर सकते है। so दोस्तों, के साथ साथ यहाँ पे कार सीट के बैक में आपको एक बैक तीधर भी मिलता है जो आप देख सकते हैं तो बैक तीधर में यहाँ पे आपको एक हुक मिलेगा इस हुक को आप आ, गाड़ी के पीछे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो एक बार अगर ये आ, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए तो आप देखेंगे जो बकल में रेड कलर है वो रेड कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब ये अच्छी तरीके से स्ट्रांग तरीके से जो है वो कनेक्ट हो चुका है वेल well, इस प्रोडक्ट के साथ आपको अल्ट्रा सॉफ्ट लग्जरियस पैडिंग मिलता है जिससे बच्चों को यहाँ पे आप अगेन कंफर्टेबल होकर के बिठा सकते हैं पैडिंग जो है वो आपको हेड हेडरेस पे भी मिलेगा साइड पे भी मिलेगा एंड नीचे भी मिलेगा ताकि बच्चों को जब आप इस पे बिठाएं तो बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए उनको चुभ ही नहीं एंड अगर लॉन्ग जर्नी है स्पेशली तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाए वेल well, इस प्रोडक्ट के बैकरेस्ट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो वो कैसे यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा जो है पॉइंट दिया हुआ है जिसको बस आपको ऊपर की तरफ पुल करना है एंड आप हेड रेस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो कुछ इस तरीके से एक लेवल आप मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है वैसे ही हम वापस से एक और लेवल जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ये है इसका मैक्सिमम हाइट एडजस्टमेंट एंड इसके बाद अगर आपको वापस नीचे लेके आना है तो आपको ऊपर से सिर्फ प्रेस करना होगा एंड ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा इस प्रोडक्ट का जो सीट कवर है आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हो वॉश कर सकते हो एंड वापस से फिट इन कर सकते हो सो so दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो फाइव पॉइंट सेफ्टी हार्डनेस के साथ आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है ऑपरेट करने के लिए ऊपर की बेल्ट को क्लोज़ करने के लिए आपको बस इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिए और वो आसानी से जो गुण है वो यहाँ पर इन हो जाएगा ऊपर की सेफ्टी हार्डनेस को प्रेस करने के बाद लगाने के बाद आपको नीचे की तरफ़ फिक्स करना है नीचे की तरफ़ फ़िक्स करने के लिए आपको बस इस पॉइंट को अंदर की तरफ कनेक्ट करना है कनेक्ट करने के टाइम पे एक क्लिक का साउंड आएगा मतलब ये अच्छी तरीके से फिट हो गया के सेफ्टी हार्नेस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बटन दिया हुआ है तो अगर आपको इसको टाइट करना है तो इस बटन को आपको यहाँ से खींचना होगा जिससे ये टाइट हो जाएगा एंड अगर आपको इसको लूज़ करना है तो लूज़ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने वाइट कलर की मार्किंग दी हुई है जिसको आपको अंदर की तरफ पुश करना है अगर आप पुश करेंगे तो इस तरीके से जो है वो लूज़ हो जाएगा इस प्रोडक्ट के शोल्डर की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं वो कैसे तो यहाँ पे शोल्डर स्ट्रैप्स को एडजस्ट करने के लिए शोल्डर स्ट्रैप्स के जो बकल है जो कार सीट के पीछे है सबसे पहले हम उसको अनलॉक कर देंगे यहाँ पे आप थ्री डिफरेंट लेवल्स जो है वो देख सकते हो आप अपने बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सबसे पहले मैं आपको मिडिल पोर्शन में डाल करके दिखा सकती हूँ तो यहाँ पर मिडिल पोर्शन में जो है वो मैंने वापस से इंसर्ट कर दिया है एडजस्ट कर दिया है एंड इस तरीके से आप मिडिल पोर्शन में एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको लोअर एडजस्टमेंट यहाँ पे यूज़ करना है लोअर पॉइंट यूज़ करना है तो वो आप उसी तरीके से इसको पीछे की तरफ से खींचिए और उसको लोअर पॉइंट में जो है वो ले आइए आप अपने बच्चों के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली एक बार जब आप एडजस्ट कर लें तो आप जो बकल हमने रिमूव किया था उस बकल को हम वापस से इसमें फिट इन कर देंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बकल जो है वो अच्छी तरीके से टाइट तरीके से जो है वो फ़िट हो जाए ताकि वो बाहर ना निकले सेफ्टी एस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार अगर आप बकल को दोनों तरफ से फ़िक्स कर लें तो फिक्स करने के बाद आप बेल्ट को आगे की तरफ से जो है वो हार्नेस बटन को यूज़ करके आप उसको वापस से अच्छी तरीके से टाइट कर लें बकल एक बार नीचे की तरफ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा मतलब ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हम हमारी गाड़ी पे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं दो तरीके से इंस्टॉलमेंट में आपको दिखाऊंगी आइसोफिक्स के साथ भी एंड बिना आइसोफिक्स के साथ भी तो ग्रुप वन के एज के बच्चों के लिए इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आइसोफिक्स कनेक्टर को यूज़ करेंगे एंड इस कार सीट को गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे तो ये आइसोफेक्स पॉइंट है जो कि गाड़ी के बैक सीट में रहता है इसी पॉइंट में हमें इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम इसका जो कनेक्टर है उसको हम ऑपरेट करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे कैसे ये जो वाइट कलर का बटन है उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और इसको बाहर पूरी तरीके से निकाल लेंगे तो एक बार आप इसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए तो दूसरी तरफ भी आप इसको निकाल दीजिए दोनों कनेक्टर एक बार जब बाहर निकल जाए तो आपको आइसोफेक्स पॉइंट जो है वो उसमें डाल करके हल्का सा प्रेस करना है हल्का सा प्रेस करने के बाद आप कार सीट के फ्रंट में आइए और उसको अच्छी तरीके से पुश कीजिए ताकि जो कार सीट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए फर्म तरीके से बैठ जाए और हिले नहीं एक बार ये फर्म हो जाएगा तो आप देखेंगे जो बटन है जो व्हाइट कलर का हमने यहाँ पे यूज़ किया था उस बटन में एक ग्रीन लाइट आ जाएगा यह इंश्योर करता है कि आपका जो कार सीट है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है आइसोफिक्स कनेक्टर अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। आइसोफिक्स कनेक्टर को इंस्टॉल करने के बाद टॉप तीधर हुक को भी हम इंस्टॉल करेंगे वो कैसे आपकी गाड़ी के पीछे जनरली किसी गाड़ी में वो बैक सीट पे रहता है बैक सीट के पीछे रहता है हमारी हैरियर में वो सीट के एकदम नीचे है तो वहाँ पे एक हुक है उस हुक में आपको इसको लगा देना है अच्छी तरीके से फ़िक्स कर देना है एक बार आप अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे तो यहाँ पर भी जो लाइट है रेड कलर का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वो टेदर हुक भी जो है वो अच्छी तरीके से फ़िक्स हो गया है अगर आपको इस प्रोडक्ट को ग्रुप टू एज के बच्चों के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कार सीट की टॉप तीधर को इंस्टॉल करना होगा जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ टॉप तीधर को इंस्टॉल करने के बाद आप कार सीट के इनर कवर को एंड हार्नेस को निकाल दीजिए बच्चों को कार सीट पे बिठाइए उसके बाद गाड़ी का जो सीट बेल्ट है उसको बाहर की तरफ से पुश कीजिए बाहर निकालिए और बच्चों के लैब से सीट बेल्ट को क्रॉस करते हुए जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आमरेस के नीचे की तरफ से ले जाइए और उसको सीट बेल्ट के बकल में लगा दीजिए यहाँ पे हम आइसोफेक्स कनेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे एंड हमें इन्श्योर करना है कि जो सीट बेल्ट है वो सीधा हो ट्विस्ट ट ना हो ताकि बच्चों को कोई भी हार्म ना हो इस कार सीट को ग्रुप थ्री एज के बच्चों के लिए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम टॉप तीधर को लगा देंगे जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ इनर कवर को निकाल देंगे एंड बच्चों को कार सीट पे बिठाएंगे बच्चों को कार सीट पे बिठाने के बाद बेल्ट को हम बाहर की तरफ से पुश करेंगे इस बार हम मिडिल पोर्शन से नहीं निकालेंगे ऊपर की तरफ से निकालेंगे टॉप की तरफ से निकालेंगे जहां पे टी शेप बना हुआ है एंड बच्चों की लैब से क्रॉस करते हुए आमरेस के नीचे से ले जा करके हम बकल में जा करके फिक्स कर देंगे यहाँ पे भी हमें एंश्योर करना है जो बेल्ट है वो सीधा रहे ट्विस्टेड ना हो एंड आइसोफिक्स पॉइंट को यूज नहीं करना है ताकि बच्चे जो है वो कंफर्टेबल रहे तो ये था ग्रुप थ्री बच्चों के लिए इंस्टॉलेशन सो so, दोस्तों ये था आज का वीडियो लव लैब ब्रांड के एक्टिव कार सीट के बारे में वेल well, ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बेबी के लिए कोई कार सीट ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं ये काफी सेफ है सिक्योर है क्योंकि हम हमारे बेटे आई के लिए यूज करें तो अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसकी क्वालिटी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना हो तो ये आसानी से एमेजोन पे अवेलेबल है साथ ही साथ ये लव लैब के साइट पे अवेलेबल है दोनों का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मेरे पास था कार सीट के बारे में मैं आपको बता पाई तो वीडियो को लाइक like करना मत भूलेगा एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल चैनल पहली बार आ रहे हैं तो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ आप चाहे तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर अगेन हम इंफॉर्मेटिव वो आपके लिए डालते रहते हैं तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय